रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो रणनीति अख्तियार की थी वो उन्हें 3 महीने की जंग के दौरान 3 बार बदलनी पड़ी है। जंग की शुरुआत यूक्रेन पर सीधे हमले के तौर पर हुई, लेकिन पुतिन को जल्द ही ये समझ में आ गया कि सीधी जंग में वो यूक्रेन से सालों तक लड़ाई लड़ने के बाद भी जीत नहीं पाएंगे। यूक्रेन जंग में रूस ने बदली रणनीति। पूर्वी यूक्रेन में हमले किए तेज। रूस के निशाने पर डॉनबास। रूस के खिलाफ ज़ेलेंस्की मांगे और हथियार। Нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। रूस ने जंग की शुरुआत में यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने की भरकम कोशिश की, लेकिन कीव की जंग में मात खाने के बाद रूसी सेना ने यूक्रेन के दक्षिणी इलाके पर हमले शुरू कर दिए। बदली रणनीति के चलते रूस को अपने इस नए प्लान में कामयाबी मिली और रूसी फौज ने दक्षिणी यूक्रेन के कई इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया। दक्षिणी यूक्रेन में मिली कामयाबी के बाद अब एक बार फिर रूस ने अपनी रणनीति बदली है। अब रूसी सेना के निशाने पर है पूर्वी यूक्रेन, यानी वो इलाका जहां जंग शुरू होने से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस समर्थित अलगाववादियों के 2 क्षेत्रों डोनेस्क और लुहांस्क को बतौर 2 देशों के मान्यता दे दी थी। दरअसल ये दोनों ही इलाके डॉनबास में आते हैं, लिहाजा इस वक्त यूक्रेन में डॉनबास पर कब्जे की भीषण जंग चल रही है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने रूस के इस प्लान के बारे में यूक्रेन समेत पूरी दुनिया को आगाह कर दिया था। मारियोपोल की जंग के बाद अब रूसी सेना का अगला निशाना डोनेस्क और लुहांस्क होंगे। फिलहाल वही हो रहा है जिसका शक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को था। रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए उसके कई गांवों और शहरों को निशाना बना रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अपने ऑपरेशन के दौरान रूसी सेना ने लुहांस्क और डोनेस्क में यूक्रेनी सेना के कमांड सेंटर और हथियारों के डिपो को निशाना बनाया। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि वो लुहांस्क के 95% इलाके पर कब्जा कर चुकी है और सेवरियोडोनेस्क पर कब्जा होते ही पूरे लुहांस्क पर रूस का कब्जा हो जाएगा। воздушного базирования поражены 3 пункта управления, 36 районов сосредоточения живой силы военной техники вооруженных сил Украины, самоходный артиллерийский дивизион 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Солидар, а также 6 складов боеприпасов районов Миньковка, Бахмут, Николаевка, Спорная и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. В том числе один крупный склад 155-миллиметровых снарядов к американским гаубицам. В
अपने बयान को साबित करने के लिए रूसी रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा कुछ वीडियो भी जारी किए। आसमान से बारूद बरसाते रूसी लड़ाकू विमान, और जमीन पर आग उगलती रूसी तोपें। ये दोनों ही वीडियो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि रूसी सेना यूक्रेन के इस हिस्से पर कब्जा जमाने के लिए बेताब है और इसके लिए वो किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार है। Продовжує використовувати тактику терору проти українського цивільного населення на захоплених територіях. Триває погіршення соціально-економічної ситуації на півдні та сході України. За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито 16 атак ворога, знищено 8 танків, 22 одиниці бойової броньованої техніки. Луганський гавернер ке мутабік सेवेरोदोनेस्क पर फतह हासिल करने के लिए रूस ने हजारों की तादाद में अपने सैनिकों को इस इलाके में भेजा हुआ है और वहां पर रूसी और यूक्रेन की फौज के बीच भीषण जंग चल रही है। Поки війна триває, ми потребуємо щомісячної підтримки на рівні. Юкрейн के राष्ट्रपति Володимир Зеленський का आरोप है कि युद्ध शुरू होने के बाद रूसी सेना यूक्रेन पर 1474 मिसाइलों के हमले कर चुकी है। इन हमलों में रूसी सेना ने 2000 से ज्यादा अलग-अलग मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। राष्ट्रपति Зеленський के मुताबिक इस वक्त यूक्रेन के पूर्वी इलाके डोनबास में हालात काफी खराब हैं और रूसी सेना वहां पर जिंदगी को पूरी तरह से तबाह कर देने पर आमादा है। На Донбасі, Бахмут, Попасна, Сєвєродонецьк, на цьому напрямку окупанти зосередили найбільшу активність на цей час. Вони влаштували там бійню і намагаються знищити усе, усе живе, буквально. Ніхто यूक्रेन भी आधिकारिक तौर पर यह बात कबूल कर चुका है कि रूसी सेना उसके बड़े इलाके पर कब्जा जमा चुकी है। यूक्रेन के मुताबिक यूक्रेन के 20.7% इलाके पर कब्जा किया जा चुका है, यानी यूक्रेन का 1,25,000 स्क्वायर मीटर इलाका रूस के कब्जे में है। 23 फरवरी तक यूक्रेन का महज 7% इलाका रूस के कब्जे में था, यानी रूस के पास यूक्रेन का 43,300 स्क्वायर मीटर का इलाका था। राष्ट्रपति Зеленський का यह भी आरोप है कि रूसी सेना यूक्रेन के जिन इलाकों पर काबिज हो चुकी है वो उन इलाकों को जंग खत्म होने के बाद भी नहीं छोड़ेगी। Дуже стараються показати, що вони нібито не віддадуть захоплені райони Харківської області, не віддадуть Херсонщину, окуповану територію Запорізької області і Донбасу. Десь наступають, кудись підтягують резерв, десь намагаються укріпити позиції. यूक्रेन की सेना पर बड़ा हमला, रूस ने KF-52 से ये हमला बोला है। रूस ने हमले का वीडियो जारी किया है। हमले में यूक्रेन के सैन्य वाहन तबाह हो चुके हैं पूरी तरीके से। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं। यूक्रेन की सेना पर बड़ा हमला हुआ है, K-52 से हमला बोला गया है। अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल बीते 3 महीने में खूब किए गए हैं और यही वजह है कि वहां एक के बाद एक तबाही की तस्वीरें निकल कर सामने आती है। तो बड़ी खबर इस वक्त तस्वीरों के साथ हम आपको यूक्रेन के युद्ध से अपडेट कर रहे हैं। रूस ने यह बकायदा हमले का वीडियो शेयर किया है और सैन्य वाहन तबाह करने की खबर सामने आ रही है। यूक्रेन की सेना पर, सैन्य ठिकाने पर यह बड़ा हमला बोला गया है रूस की तरफ से और बकायदा ये अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कैसे किया गया, इससे कितनी तबाही मचती है, इसकी तस्वीरें भी रूस की तरफ से शेयर किया गया है। और बीते 3 महीने में यही हुआ है कि दोनों ही तरफ की सेना ने, यानी रूस और यूक्रेन की तरफ की सेना ने अलग अलग हमलों के बाद बकायदा वीडियो शेयर किया।
और इस वक्त बड़ी खबर यूक्रेन से है, जहां मारियोपोल के बंदरगाह पर कब्जा। रूसी सेना ने कब्जे का दावा किया है, रूस ने पोर्ट पर कब्जे का दावा किया है। इस वक्त मारियोपोल के बंदरगाह पर कब्जा करने की खबर सामने आ रही है, जहां दावा यह किया गया है रूसी सेना की तरफ से कि हमने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है। हालांकि कहा तो यह जा रहा है कि 80% से ज्यादा मारियोपोल के वो इलाके हैं जो रूसी कब्जे में हैं, लेकिन यूक्रेन की सेना चाहती है कि वो धीरे धीरे इस एरिया को फिर से अपने कंट्रोल में लेकर आए, और यही वजह है कि वो भी लगातार हमले कर रही है, मुंहतोड़ जवाब दे रही है। लेकिन इस बीच रूस की तरफ से वीडियो शेयर किया गया, जहां मारियोपोल के बंदरगाह पर रूसी सेना ने कंट्रोल कर लिया है, अपना कब्जा कर लिया है, वही तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन के लेमान शहर पर हमला हुआ है, रूस की तरफ से हो रही भारी गोलीबारी। यूक्रेन के लेमान शहर से उठ रहा है धुआं, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया गया है। यूक्रेन का ये वो लेमान शहर है जो फिलहाल रूसी सैनिकों के निशाने पर है। ये आप देखिए इस इलाके की, इस शहर की तस्वीर, जहां ये भी और इलाकों की तरफ बर्बाद होने के कगार पे, क्योंकि यहां भी मिसाइलें दागी जा रही है, यहां भी ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, यहां भी फायरिंग की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, और पूरा इलाका धुएं में घिरा हुआ। ये आप देख रहे हैं जमीन से लेकर आसमान तक सिर्फ और सिर्फ धुआं। ये टॉप एंगल की तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, यानी भले ही युद्ध को 3 महीने गुजर चुके हों, सैकड़ों दफे बातचीत की कोशिश और उसमें कई दफा बातचीत और इसके बाद भी समाधान कुछ नहीं निकला, यानी युद्ध के हालात में सीज फायर की कहीं से कोई उम्मीद दूर दूर तक नहीं है। और अगली खबर और बड़ी खबर भी मारियोपोल से। प्रशासन ने रूस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि रूसी बमबारी में अभी तक 22,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जिस मारियोपोल को लेकर हम ये कह रहे थे, आपके सामने तस्वीरें भी अब है, जहां के ज्यादातर इलाके रूस के कंट्रोल में है। आप देखिए इतनी बर्बादी और तबाही के बाद जाकर यहां रूसी सैनिकों ने अपने काबू में इस इलाके को किया है। और इस बीच मारियोपोल के प्रशासनिक टीम का दावा यह है कि हजारों की संख्या में यहां पे लोग मारे गए हैं, और कई लोगों ने तो यहां पे अपने घरों को छोड़ दिया है, वो पलायन करने को मजबूर है, और जो पड़ोसी मुल्क है, जो पड़ोसी देश है, वहां पर जाकर उन्होंने शरण ली है। तो ये जो घर है, ये इमारतें, इन सबको नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ये शहर, ये घर, ये इलाका अब रहने लायक नहीं बचा है, और यही वजह है कि आप जहां तक निगाहें दौड़ाएंगे सिर्फ और सिर्फ युद्ध की वो निशानियां बची है, वो बर्बादी की तस्वीर बची है, जिसके जरिए एहसास होता है कि युद्ध सिर्फ लंबा नहीं खींचा बल्कि बर्बाद किया है पूरे शहर को। अमेरिका के टेक्सास में फायरिंग की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां 18 साल के लड़के ने स्कूल में फायरिंग की, जिसमें मौत का आंकड़ा बढ़कर अब 23 हो चुका है। कुल 35 ऐसे बच्चे हैं जो मासूम बच्चे हैं, जिनको गोली लगी और जिसमें से 19 बच्चों की जान चली गई है, उनकी मौत हो चुकी है। कई बच्चों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। गोलीबारी में 2 टीचर्स की मौत होने की भी खबर है। टेक्सास के गवर्नर के मुताबिक पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर, जो कि 18 साल का था, जो उसी स्कूल का पुराना स्टूडेंट है, वो मारा गया है। ये फिलहाल तस्वीरें, आप 2 तस्वीरें देखिए। हमलावर युवक अपनी गाड़ी छोड़कर स्कूल में दाखिल हुआ, उसके पास एक हैंडगन और एक राइफल थी, जिसके जरिए वो स्कूल में घुसते ही अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। इस घटना के बाद अमेरिका में शोक का माहौल है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने घटना पर दुख जाहिर किया। ये 5 तस्वीरें आप देखिए, 5 तस्वीर इस पूरे घटनाक्रम के दर्द को, तकलीफ को बयां करती हुई ये तस्वीरें हैं, जहां टेक्सास में शूटआउट, और किसी पेशेवर अपराधी ने इस घटना को अंजाम नहीं दिया। सबसे चौंकाने और हैरान करने वाली यही बात है, इसी स्कूल का एक पुराना स्टूडेंट, जो कि महज 18 साल का है, पहले वो प्लानिंग करता है फेसबुक सोशल साइट पे, वो बकायदा एक किसी महिला मित्र से बात करता है, उसको मैसेज करता है, ये भी लिखता है कि मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ ये नहीं लिखता है, और उसके बाद खौफनाक तरीके से वो जाकर ऐसी घटना को अंजाम देता है, जो अमूमन हम पश्चिमी देशों के फिल्मों में ऐसी घटनाएं देखते हैं, वो सीधे सीधे इसी तरीके की घटना को अंजाम देता है। अमेरिका के टेक्सास में हमलावर ने शूटआउट से पहले सोशल मीडिया पर बकायदा एक लड़की को मैसेज किया था, जिसमें लिखा, मैं शांत और असामाजिक हूं। साथ ही सोशल मीडिया पर गन की फोटो भी उसने डाली। इसके अलावा एक लड़की को हमलावर ने शूटआउट से पहले मैसेज भी लिखा, मैसेज भी भेजा, उसने लिखा, मैं जा रहा हूं। हालांकि उसने ये स्पष्ट बिल्कुल नहीं किया
कि वो कहां जा रहा है, किस लोकेशन पे जा रहा है, मकसद क्या है। और ये देखिए आप, हथियार की तस्वीर भी उसने शेयर की, लेकिन उसके खौफनाक मंसूबे के बारे में किसी को दूर दूर तक आशंका नहीं, किसी को अंदाजा ही नहीं था कि वो ऐसा कदम भी उठा सकता है और मासूम बच्चों की जान ले सकता है, स्कूल में जाकर हमला करेगा। ये खौफनाक घटना है, ये दिल दहला देने वाली घटना है, जिसके बारे में किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। स्कूल टीचर ईवा मेरेलिस ने कई बच्चों को बचाया, लेकिन बच्चों के बचाने के दौरान ही उनको भी गोली लगी। ईवा मेरेलिस 17 साल से स्कूल में पढ़ा रही थी। ईवा समेत दो टीचर इस मामले में मारी गई। ये फिलहाल हम तस्वीरें आपको उस महिला टीचर की दिखा रहे हैं जिन्होंने मासूम बच्चों की जान बचाने में खुद अपनी जान गंवा दी है। बहुत दर्दनाक घटना है ये। और ये फिलहाल युवा की आप तस्वीर देखिए, इन्होंने कोशिश की कि जिन स्टूडेंट से उनका लगाव है, जहां 17 सालों तक स्कूल में वक्त गुजारा है उन्होंने, इन मासूम बच्चों के इर्द गिर्द वो रही हैं। कितने बच्चे यहां से पढ़कर निकले हैं जिसमें से वो हमलावर भी था। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू तो इस घटनाक्रम को लेकर यही है कि कोई और पेशेवर अपराधी नहीं, बल्कि इसी स्कूल का एक पुराना टीचर यहां पहुंचता है और अंधाधुंध फायरिंग करता है। आखिर उसके जहन में क्या चल रहा था, ये सवाल बहुत अहम है। टेक्सास की घटना के पूरा अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम को लेकर शोक के माहौल में है। हमले से पहले हमलावर ने अपनी गन की फोटो सोशल मीडिया पर डाली। इस हमले में 23 लोगों की अभी तक मौत हुई, जिसमें 19 बच्चे हैं, 2 टीचर शामिल हैं। शूटआउट में मारे गए लोगों को एक मैच के दौरान श्रद्धांजलि दी गई है। वहीं अमृतसर में छात्रों ने भी मृतकों को श्रद्धांजलि दी है। ये 3 तस्वीरें हम आपको, 2 तस्वीरें अमेरिका की दिखा रहे हैं, जो दूसरी तस्वीर है, तीसरी जो तस्वीर है और आखिरी तस्वीर है उन मासूम बच्चों की है, जो कि भारत के रहने वाले हैं। अमृतसर से ये तस्वीर है और उन अमेरिकी बच्चों की याद में ये लोग श्रद्धांजलि उन्हें दे रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं जो इस घटना में अपनी जान गंवा बैठे हैं। और ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर हमलावर की बंदूक, जो कि सोशल मीडिया के जरिए उसने शेयर किया। दूसरी तस्वीर मृतकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है क्रिकेट स्टेडियम में। तीसरी तस्वीर भारत से है। अमेरिका के टेक्सास के स्कूल में शूटआउट से पूरा अमेरिका सदमे में है। इस शूटआउट का पूरा सीक्रेट इस वक्त हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या प्लानिंग हुई, शूटआउट से पहले क्या कुछ हुआ, कि हम आपको बताते हैं। शूटआउट से पहले हमलावर ने सोशल मीडिया पर एक लड़की को टैग किया, उससे बात करने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर लड़की को मैसेज किया और कहा कि मेरे पास एक सीक्रेट है जिसे वो शेयर करना चाहता है। सोशल मीडिया पर ही उस लड़की को हमलावर ने गन की फोटो भी शेयर की है। लड़की से हमलावर ने क्या कहा, मैं शांत और असामाजिक हूँ, स्कूल में हमले से ठीक पहले लड़ने से अपनी दादी को गोली मार दी। अपनी दादी को मारने के बाद हमलावर गाड़ी से टेक्सास के स्कूल में आया। हमलावर के पास हैंडगन और राइफल था। कहा यह भी जा रहा है कि ये वही राइफल है जो सोशल मीडिया पर शेयर किया था उस लड़के ने। स्कूल में आते ही हमलावर ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 23 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। मरने वालों में 19 बच्चे, 2 टीचर शामिल हैं। इस हमले में कुल 35 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें से 23 की मौत हो चुकी है और अभी भी कई गंभीर रूप से जख्मी है। ये सीक्रेट आपके सामने हमने रखा। स्कूल में बढ़ते शूटआउट से राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चिंता जाहिर की है और कहा है कि अब गन माफिया के खिलाफ खड़े होने का वक्त आ चुका है। As a nation, we have to ask, when in God's name are we going to stand up to the gun lobby? भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी 3rd वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ 1 रुपए में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और 1,00,000 रुपए से ज्यादा के ऑफर पाएं। कि अगर यूक्रेन की सेना के जवान उनके लड़ाकों के सामने पड़ेंगे तो उन्हें पछताना पड़ेगा, क्योंकि कादिरव का दावा है कि यूक्रेन के सैनिकों को भले ही दुनिया के कई देशों से आधुनिक हथियार मिल रहे हों, लेकिन उनके लड़ाकों के आगे वो टिक नहीं पाएंगे। और ऐसा ही 2.5 महीने तक मारियोपोल में चली लड़ाई में भी हुआ। कादिरव ने अपने लड़ाकों की तारीफ करते हुए दावा किया कि जब भी यूक्रेन के सैनिक उनके सामने पड़ेंगे उन्हें घुटनों पर झुकना होगा। और मारियोपोल की लड़ाई का अंजाम देखें तो रमजान कादिरव के दावे में दम भी दिखाई पड़ता है। वहां चेचन लड़ाकों ने रूसी सेना के साथ मिलकर यूक्रेन के सैनिकों पर भीषण हमला बोला था। कादिरव के बेहतरीन कमांडरों ने जंग की कमान संभाली,
यूक्रेन के सैनिकों पर ऐसा वार किया कि उन्हें अजोवस्ताल स्टील प्लांट में छिपना पड़ा। हालांकि यूक्रेन के सैनिकों ने अजोवस्ताल स्टील प्लांट को रूस के कब्जे में जाने से बचाने के लिए लंबी जंग लड़ी, लेकिन चेचन लड़ाकों और रूसी सेना के वार ने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद रूस की सेना ने पूरे मारियोपोल पर कंट्रोल होने का दावा कर दिया था। और अब रमजान कादिरफ वीडियो के जरिए जेलेंस्की की सेना को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन की दूसरे इलाकों में चल रही जंग में भी उनकी सेना का हाल मारियोपोल जैसा ही होगा। वहीं यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक लुहांस्क के एक इलाके में रूसी सेना पर धनाधन रॉकेट दागते दिखाई दिए। पिछले कई दिनों से पुतिन की फौज इस इलाके को अपनी मुट्ठी में करने में जुटी है और इसके लिए उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन हर मोर्चे पर जेलेंस्की की सेना रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इसी दौरान यूक्रेन के सैनिकों ने एक इलाके में रूसी सेना के ठिकानों पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। इस हमले का जो वीडियो जारी किया गया उसमें यूक्रेन की सेना मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से पुतिन की फौज पर हमला बोलती नजर आई। लॉन्चर से निकलने के बाद आग उगलते रॉकेट रूसी सेना के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए आसमान में तेजी से आगे बढ़ते दिखे। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां रॉकेट की बरसात शुरू हो गई हो। दुश्मन पर हमला बोलने से पहले इसकी तैयारी भी की गई। सबसे पहले इस मल्टीपल लॉन्चर में रॉकेट लोड किए गए। इसके बाद उस लॉन्चर को उस जगह ले जाया गया जहां से दुश्मन के ठिकानों पर धावा बोलना था। तैयारी पूरी होते ही जेलेंस्की के सैनिकों ने रूसी सेना के ठिकानों पर निशाना साधा और फिर उन पर रॉकेट की बौछार कर दी। यूक्रेन ने दावा किया कि इन हमलों में रूसी सेना के कई ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए। इस बीच खबर है कि जेलेंस्की की सेना को घुटनों पर लाने के लिए रूस बेहद ताकतवर बैरल बम का इस्तेमाल कर सकता है। आरोप है कि सीरिया के गृह युद्ध में वहां की बशर अल असद की सरकार ने विद्रोहियों को पीछे धकेलने के लिए इसका इस्तेमाल किया था, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। और अब ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन में इसी बैरल बम का इस्तेमाल करने की तैयारी में है। सीरिया में गिराए गए बैरल बम का एक वीडियो भी अखबार ने जारी किया, जिसमें हेलीकॉप्टर की मदद से इस ताकतवर बम को एक रिहायशी इलाके में गिराया गया। जैसे ही बम जमीन से टकराया वहां कानों को फाड़ देने वाला एक जोरदार धमाका हुआ जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। धमाके के बाद वहां धूल और धुएं का गुबार आसमान में उठता दिखाई दिया। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो। उस वक्त ये दावा किया गया था कि इस बैरल बम की वजह से वहां मौजूद कई इमारतें ध्वस्त हो गई थी और कई लोगों की जान चली गई थी। हालांकि उस वक्त सीरिया की सरकार ने विद्रोहियों पर बैरल बम का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था, लेकिन दावा है कि अब इसी घातक और खतरनाक हथियार से पुतिन की सेना यूक्रेन में तबाही मचाने का प्लान तैयार कर चुकी है, क्योंकि बैरल बम बनाने वाले सीरिया के 50 से ज्यादा एक्सपर्ट रूस में हैं, जिन्होंने कई हफ्तों तक रूसी सेना के अधिकारियों के साथ काम भी किया। और इसी बात से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन की सेना पर हमले के लिए कई बैरल बम तैयार भी कर लिए हैं। मतलब ये कि आने वाले दिनों में यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले और तेज होने वाले हैं। असल में इस जंग में नेटो देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं और युद्ध में रूस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उसे घातक और ताकतवर हथियारों की सप्लाई भी कर रहे हैं। यही वजह है कि यूक्रेन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज के सामने पिछले 3 महीने से खड़ा है। इसी वजह से पुतिन नेटो पर भड़के हुए हैं। उनका आरोप है कि यूक्रेन को हथियार दिखाकर नेटो जंग को भड़काने का काम कर रहा है। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी कर रूस के हथियारों से भरे ट्रक को उड़ाने का दावा किया। हालांकि हमला यूक्रेन के किस इलाके में किया गया इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें यूक्रेन के सैनिक रूस के हथियारों से भरे ट्रक और उसकी सेना के ठिकानों को उड़ाते दिखे। इस वीडियो में रूस के सैन्य ठिकानों पर हथियारों से भरा एक ट्रक खड़ा नजर आया। उसी वक्त यूक्रेन की फौज ने हवाई हमला कर हथियारों से भरे ट्रक को उड़ा दिया। ये हवाई हमला इतना ताकतवर था कि वहां काफी देर तक आग के साथ काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि इस इलाके में रूस के कई और सैन्य ठिकानों को इसी तरह तबाह कर दिया गया। वहीं मारियोपोल पर कब्जा जमाने के बाद रूसी सेना ने शहर के अलग अलग हिस्सों में बिछाई गई बारूदी सुरंगों और बमों को नष्ट करने का काम तेज कर दिया। यूक्रेन पर हमला बोलने के बाद रूस ने इस शहर पर कब्जा जमाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। और तो और पुतिन ने मारियोपोल को जीतने के लिए अपने सबसे वफादार रमजान कादिरफ को भी जंग के मैदान में उतार दिया था, जिसके बाद रूसी सेना के साथ मिलकर कादिरफ के लड़ाकों ने शहर में जमकर तबाही मचाई। कई दिनों तक चली जंग की वजह से पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया। शहर का ज्यादातर हिस्सा रूसी सेना की मिसाइलों और बमों की भेंट चढ़ गया। ऐसी कोई इमारत नहीं बची जिस पर रूसी सेना के हमलों के निशान न हो। हालांकि कुछ दिनों बाद रूस ने शहर के ज्यादातर
और इस वक्त की बड़ी खबर, लुहांस्क में आश्रय पर रूस की बमबारी, हमले के इमारत में ध्वस्त और 6 लोगों की मौत की खबर है, 8 लोग जख्मी हो चुके। न सिर्फ स्टील प्लांट बल्कि शहर के कई हिस्सों में लैंडमाइन बिछाई और अब उन्हीं बारूदी सुरंगों और बमों को नाकाम करने के लिए पुतिन की सेना पिछले कुछ दिनों से जुटी है और इसके लिए रूसी सैनिक एक खास तरह की मशीन का इस्तेमाल करते दिखे। रूस की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें अजोव सागर के किनारे एक भारी भरकम मशीन खुदाई करती हुई आगे बढ़ती नजर आई और इस दौरान वहां एक के बाद एक कई धमाके भी होते रहे। वीडियो के एक दूसरे हिस्से में कुछ रूसी जवान समंदर के किनारे मशीन की मदद से लैंडमाइन की तलाश करते दिखे, तभी वहां एक बड़ा बम दिखाई दिया जिसे रूसी सेना के जवानों ने धमाका कर नष्ट कर दिया। इसी तरह शहर के एक दूसरे इलाके में भी रूसी सैनिकों ने धमाका कर यूक्रेन के लगाए बमों को तबाह कर दिया। उधर रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक यूक्रेन की सेना के कई ठिकानों को तबाह करते दिखे। हालांकि रूस ने यह हमला यूक्रेन के किस इलाके में किया इसकी जानकारी नहीं दी, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें रूस के जवानों के पास बेहद ताकतवर मश्ता बी तोप नजर आई जिसके जरिए सैनिकों ने पहले टारगेट सेट किया। टारगेट सेट होने के बाद पुतिन के जवान तोप में गोला भरकर उसे तैयार करते नजर आए, तो वहीं एक सैनिक अपनी नोटबुक में कुछ लिखता दिखा। फिर कमांडर के आदेश पर फौजियों ने पोजीशन ली और दुश्मन के ठिकानों पर ताबड़तोड़ गोलाबारी कर उसे तबाह कर दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि वहां काफी देर तक धुआं उठता दिखाई दिया। रूस की मस्ता भी तोप 1 मिनट में 6 गोले दाग सकती है और 29 किलोमीटर दूर से ही टारगेट को तबाह करने की ताकत रखती है। रूस ने दावा किया कि उसने इसी तोप से यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर उसे भारी नुकसान पहुंचाया। वहीं यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस को अपनी ताकत दिखाने के लिए अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने सबसे घातक जंगी जहाज को उतार दिया। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था जिसके कुछ रोज बाद ही अमेरिका ने फ्रांस और इटली के साथ मिलकर इस सैन्य अभ्यास की शुरुआत की थी, लेकिन अब इस मिलिट्री ड्रिल में उसने अपने सबसे घातक और ताकतवर जंगी जहाज यूएसएस हैरियस ट्रूमैन को भूमध्य सागर में उतार दिया। असल में अमेरिका ऐसा करके रूस को यह दिखाना चाहता है कि अगर उसने नेटो देशों को जंग में घसीटने की कोशिश की तो वो चुप नहीं बैठेगा। हालांकि वो पहले ही ये कह चुका है कि उसकी सेना यूक्रेन में जंग का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन उसने ये चेतावनी भी दी है कि अगर नेटो देशों पर आंच आई तो रूस को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और माना जा रहा है कि भूमध्य सागर में फ्रांस और इटली के साथ चल रहा उसका सैन्य अभ्यास रूस को यही बताने की कोशिश है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरियस ट्रूमैन का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक के बाद एक कई लड़ाकू विमान युद्धपोत के रनवे से उड़ान भरते दिखाई दिए। यही नहीं, जंगी जहाज पर कई लड़ाकू विमान उतरते भी नजर आए। अमेरिका के इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर कई खतरनाक मिसाइलें भी तैनात हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन का नामोनिशान मिटाने की ताकत रखती हैं। इधर आंध्र प्रदेश में कोनासीमा जिले का नाम बदलने के ऐलान पर बवाल हो गया। कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने जिले का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करने के फैसले पर इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेनी सेना ने किया रूस पर बड़ा हमला। पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के T-72B3 टैंक पर कब्जा किया है। रूसी टैंक पर यूक्रेन का कब्जा, इस वक्त की तस्वीर आप देखिए। यही नहीं, हंगामा कर रहे लोगों ने आंध्र प्रदेश के एक मंत्री के मकान पर भी हमला बोल दिया और उसमें आग लगा दी, जिसके बाद लोगों को काबू में करने के लिए आसपास के इलाके से बड़ी संख्या में पुलिस वालों को वहां बुला लिया गया जिन्होंने बैरिकेडिंग कर लोगों को रोकने की कोशिश की। हालांकि भीड़ काबू करने में पुलिस के पसीने छूट गए। जब काफी देर तक समझाने पर भी प्रदर्शन कर रहे लोग नहीं माने तो पुलिस ने लाठियां भांज कर उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। इस बीच यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें बख्तरबंद गाड़ी पर मिसाइल गिरती दिखी। जेलेंस्की की फौज ने दावा किया कि उसने इस हमले में रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया और जो वीडियो जारी किया गया उसमें मैदान में एक बख्तरबंद गाड़ी खड़ी नजर आई, वहीं हवा को चीरती एक मिसाइल उसकी तरफ बढ़ती दिखाई दी। बताया गया कि ये मिसाइल यूक्रेन ने स्किफ एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर 4 किलोमीटर दूर से दागी थी। सामने आई तस्वीरों में मिसाइल जैसे ही सटीक निशाने पर गिरी धमाके के साथ तेज रोशनी निकली। विस्फोट इतना जोरदार था कि बख्तरबंद गाड़ी के परखचे उड़ गए। वहीं जिस मिसाइल सिस्टम से यूक्रेन की सेना ने हमले का दावा किया उससे टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को चंद सेकंड में ध्वस्त किया जा सकता है। यही नहीं, इसके जरिए 5 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को भी तबाह किया जा सकता है। उधर राजस्थान के अलवर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया।
जिसमें एक पति को अपनी पत्नी से सुरक्षा की मांग करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर तैनात अजीत सिंह का आरोप है कि उनकी पत्नी सुमन अपने भाई के बहकावे में आकर प्रॉपर्टी के लिए उनके साथ मारपीट करती, जिसे वो बीते 9 साल से झेलते आ रहे हैं। अजीत सिंह के मुताबिक बीते 1 साल से हालात ज्यादा बिगड़ गए थे, जिस वजह से उन्होंने अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा लिए और उन्हीं की बदौलत वो बिवाड़ी कोर्ट के सामने अपनी पत्नी सुमन के खिलाफ सबूत पेश कर पाए। उन फुटेज में अजीत की पत्नी उन्हें क्रिकेट बैट से मारती दिखी। क्रूरता की हदें तो तब पार होती दिखाई दी जब वहां उनका 8 साल का बेटा भी सहमा हुआ नजर आया, लेकिन उसी के सामने आरोपी सुमन ने अपने पति से मारपीट जारी रखी। इस चीज की सजा दी जाए जिस चीज के लिए उसने इतना अत्याचार मेरे ऊपर किया है। आरोपी पत्नी पति को दौड़ा दौड़ा कर पीटती दिखाई दी। फुटेज में कई बार उनका बेटा भी अपने पिता को बचाने के लिए बीच में आता दिखा, लेकिन आरोप है कि इसका सुमन पर कोई असर नहीं पड़ा। आरोप है कि सुमन के हाथ में जो चीज आती है वो उससे मारपीट शुरू कर देती है। और ऐसा ही कुछ एक दूसरी फुटेज में दिखा भी, उसमें आरोपी पत्नी अपने पति को लोहे के तवे से पीटती नजर आई और उस समय अजीत खुद को बचाने में बेहद लाचार नजर आए। तीसरी फुटेज में वो अजीत के पीछे औजार लेकर दौड़ती दिखी। ऐसे में कोर्ट का दरवाजा खटखटाना अजीत के लिए मजबूरी बन गया, जिसके बाद अदालत ने पुलिस को अजीत सिंह को सुरक्षा देने और मामले की जांच के आदेश दिए। बयान होने पे आगामी कानूनी कार्रवाई की। अजीत ने बताया कि उनकी सुमन से लव मैरिज हुई थी, लेकिन शादी के कुछ वक्त बाद ही घरेलू हिंसा शुरू हो गई। हालांकि कोर्ट से आदेश मिलने के बाद पुलिस ने इस केस की जांच शुरू कर दी। रूस और यूक्रेन की जंग को 3 महीने हो गए, दोनों देशों की सेनाएं यूक्रेन के कई कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके कपिल सिब्बल ने लखनऊ में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर राज्यसभा के लिए भरा नामांकन, अखिलेश यादव ने किया समर्थन, त्याग पत्र दे दिया है। टेरर फंडिंग मामले में यासिन मलिक की सजा पर सुनवाई पूरी, दोपहर 3:30 बजे दिल्ली के एनआईए कोर्ट सुनाएगी सजा, एनआईए ने मांगी है फांसी की सजा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ के बाद 3 आतंकियों को किया ढेर, एक पुलिसकर्मी भी शहीद। पुलिस आर्मी के साथ एक चांसी एनकाउंटर हुआ जिसमें पाकिस्तानी जैश मोहम्मद के 3 टेररिस्ट हार्डकोर टेररिस्ट मारे गए। ज्ञान वापी मामले में नई याचिका पर 30 मई को होगी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई, विश्व वैदिक सनातन संस्था ने रोजाना दर्शन और पूजन करने की मांग की है। जापान दौरे से लौटते ही एक्शन में दिखे पीएम मोदी, कैबिनेट के साथ की बैठक। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी से सीबीआई की पूछताछ जारी, राज्य के शिक्षा मंत्री परेश अधिकारी की बेटी को कम अंक के बावजूद नियुक्ति दिलवाने का है आरोप। अमेरिका के डिस्कस में गोलीबारी, स्कूल में हुई फायरिंग में 18 बच्चों समेत 23 की मौत, हमलावर भी मारा गया। राष्ट्रपति बाइडेन ने घटना पर दुख जाहिर किया, कहा गन लॉबी के खिलाफ होगा एक्शन। When in God's name are we going to stand up to the gun lobby? पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इमरान खान की रैली से पहले उनके समर्थकों का भारी हंगामा, हालात बिगड़ने के बाद पुलिस ने किया लाठी चार्ज। रूस के हमले में यूक्रेन के मारियोपुल में सबसे ज्यादा तबाही, मारियोपुल प्रशासन का दावा 3 महीने में 22,000 से ज्यादा लोगों की मौत। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद, इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर युद्ध से जुड़ी हुई है। पुतिन ने अपने बॉडीगार्ड को रूस का नया आपातकालीन मंत्री बनाया है। पुतिन के इस फैसले को लेकर पश्चिमी मीडिया ने बड़ा दावा किया है। ब्रिटेन की मीडिया के मुताबिक पुतिन तख्ता पलट की कोशिश से डरे हुए हैं, तभी अपने अंग रक्षकों को लेकर ओहदे पर बिठा रहे हैं। पुतिन का वक्त अपने खास लोगों से घिरे रहते हैं, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। एलेक्सेंड्र कुरेकोव, पद रूस के नए आपातकालीन मंत्री,
पूर्व काम, पुतिन के बॉडीगार्ड। रूस से आ रही तख्ता पलट की खबरों के बीच पुतिन ने एक बार फिर अपने एक करीबी को रूस के एक अहम पद पर बैठा दिया है। पुतिन ने अपने करीबी अलेक्जेंडर कुरेकोव को नया आपातकालीन मंत्री बनाया है। पुतिन के इस फैसले के बाद दावा किया जा रहा है कि पुतिन डरे हुए हैं। वो किसी भी बाहरी को अपनी सत्ता में एंट्री नहीं देना चाहते। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। करीबियों से क्यों घिरे रहते हैं पुतिन? क्या रूस के राष्ट्रपति को डर लगने लगा है? क्या पुतिन को तख्ता पलट का खौफ सता रहा है? क्या पुतिन अपनी सत्ता बचाने की फिराक में है? अपने ही निजी अंगरक्षक अलेक्जेंडर कुरेकोव को मंत्री बनाकर पुतिन ने यह तय कर दिया कि वो अपने आसपास सिर्फ करीबियों को ही जगह देना चाहते हैं। अलेक्जेंडर कुरेकोव को पुतिन ने पूर्व मंत्री येवगेनी जिनिचेव की मौत के बाद लिया है। रूस में किसी बड़े पद पर नियुक्ति पाने वाले अलेक्जेंडर पुतिन के छठे बॉडीगार्ड हैं। इनसे पहले पुतिन के पांच और अंगरक्षक रूस के महत्वपूर्ण पदों पर हैं। दावा किया जा रहा है कि पुतिन अपनी टीम में किसी भी बाहरी की एंट्री के खिलाफ हैं, क्योंकि यूक्रेन पर हमले के बाद से ही रूस में उनके विरोध में एक लॉबी तैयार है। पुतिन के विरोधी उनकी सत्ता छीनने की फिराक में हैं। रूस में तख्ता पलट की प्लानिंग की जा रही है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि पुतिन को जान से मारने की भी कोशिश की जा चुकी है। इन दावों के मुताबिक पुतिन खौफ में आ गए हैं और वो कोई भी चूक नहीं होने देना चाहते। तभी तो अपने बॉडीगार्ड को आपातकालीन मंत्री बना दिया। पुतिन के बॉडीगार्ड से पहले अलेक्जेंडर कुरेकोव FSB काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी में काम कर चुके हैं और FSO में भी सेवा दे चुके हैं। मंत्री बनने से पहले अलेक्जेंडर कुरेकोव हर वक्त पुतिन के साथ रहते थे। बतौर बॉडीगार्ड पुतिन के साथ कई विदेश यात्राएं भी कर चुके हैं और सबसे खास ये कि पुतिन इनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पुतिन के विरोधियों का दावा है कि जिसने भी पुतिन से वफादारी दिखाई उसे उन्होंने बड़ी बड़ी पोस्ट पर बिठाया है। इससे पहले पुतिन के बेहद करीबी येवगेनी जिनिचेव आपातकालीन मंत्री थे, जिनकी मौत झरने में गिरने से हुई थी। इस मौत को संदिग्ध माना गया था। दावा किया जा रहा है कि येवगेनी जिनिचेव को पुतिन अपने उत्तराधिकारी के तौर पर तैयार कर रहे थे। मंत्री बनने से पहले जिनिचेव FSB के डायरेक्टर और रूसी रक्षा मंत्रालय में सेकंड इन कमांड के तौर पर काम कर चुके थे। येवगेनी जिनिचेव भी पुतिन के गार्ड रह चुके थे। अब फिर से पुतिन ने अपने ही बॉडीगार्ड पर भरोसा किया है और रूस में तख्ता पलट की साजिश को नाकाम करना चाहते हैं। अलेक्जेंडर कुरेकोव छठे बॉडीगार्ड हैं जिन्हें रूस में बड़ा पद दिया गया है। अंतिम व्यक्ति येवगेनी जिनिचेव थे, जो एक पूर्व पुतिन गार्ड भी थे। पुतिन के एक पूर्व अंगरक्षक एलेक्से ड्यूमिन तुला क्षेत्र के गवर्नर हैं। वहीं 53 साल के डोमिट्री मायरनोव योरोस्लावेल क्षेत्र के गवर्नर के तौर पर काम करने के बाद अब पुतिन के सहायक हैं। सर्गे मरोजव को मेजर जनरल के रूप में गुप्त सेवाओं में लौटने से पहले अस्त्रखिन क्षेत्र का गवर्नर बनाया गया था और इन सभी पूर्व अंगरक्षकों में सबसे ऊंची उड़ान 68 साल के जनरल विक्टर चोलिटव की है, जो रूसी राष्ट्रीय गार्ड के प्रमुख हैं। हालांकि एक तरफ पुतिन अपने करीबियों को बड़े ओहदे पर बिठा रहे हैं, तो वहीं रूस में तख्ता पलट की चर्चाएं आम हो चुकी हैं। रूस के अधिकारियों के बीच चर्चा शुरू हो गई है कि पुतिन के बाद कौन बनेगा रूस का नया चीफ, क्योंकि रूसी अधिकारियों को लग रहा है कि आने वाले दिनों में पुतिन रूस के राष्ट्रपति नहीं रहेंगे। दावा किया जा रहा है कि रूस में एक धड़ा
पुतिन से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर प्रतिबंधों की मार से कारोबारियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जाहिर है इन सब विरोधों के बाद पुतिन अपना हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं और अपने करीबियों को ही अपने आस पास रखते हैं। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव का खौफ किसी से छिपा हुआ नहीं है। यूक्रेन जंग में फिर से रूस के कटप्पा कहे जाने वाले रमजान कादिरोव की सेना कहर ढा रही है और इसका दावा खुद चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने एक वीडियो जारी करके किया है, जिसमें उनके लड़ाके लुहांस्क के एक इलाके में लड़ते दिखाई दिए। कादिरोव ने यह भी दावा किया है कि वहां एक बड़े इलाके से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ दिया गया। यूक्रेन में खूंखार पल्टन बैक, कादिरोव के खौफ से दहशत। कादिरोव का नाम ही काफी है। अब चेचन कमांडर रमजान कादिरोव की सेना लुहांस्क में कहर बरपा रही है। पूरा इलाका गोलियों और बमों से थर्रा उठा है। ये वीडियो यूक्रेन के लुहांस्क से आया है, जहां चेचन कमांडर की सेना जोरदार जंग लड़ रही है। रमजान कादिरोव की फौज ने ऐसा भीषण हमला बोला कि यूक्रेनी सैनिकों के पसीने छूट गए। चौतरफा वार में यूक्रेनी सेना घबरा गई और दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना रण छोड़कर भाग गई। इस भीषण युद्ध का वीडियो खुद कादिरोव की ओर से जारी किया गया और कहा गया कि लुहांस्क के एक बड़े इलाके से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ दिया गया। एक चेचन लड़ाका तो एक जगह छिपकर यूक्रेन के सैनिकों को अपनी गोलियों का निशाना बनाता नजर आया। यही नहीं, एक दूसरा लड़ाका भी अपनी राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग करता नजर आया। रमजान कादिरोव ने अपने लड़ाकों का ये वीडियो जारी करके यूक्रेनी सैनिकों को बड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि उनके लड़ाकों को हल्के में लेना यूक्रेन के सैनिकों के लिए भारी पड़ेगा। रमजान कादिरोव के मुताबिक पहले भी उनके लड़ाकों ने कई बार ज़ेलेंस्की के सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर किया। कादिरोव के लड़ाके यूक्रेन की सेना के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में छिड़ी जंग के जरिए ज़ेलेंस्की की सेना को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन के दूसरे इलाकों में चल रही जंग में भी उनकी सेना का हाल मारियुपोल जैसा ही होगा। अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन के किन किन शहरों को कादिरोव की सेना तबाह कर चुकी है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम बुचा का आता है, जहाँ बड़े स्तर पर नरसंहार की खबर आई और आरोप कादिरोव के खूंखार सैनिकों पर लगा। इस लिस्ट में दूसरा नाम यूक्रेन के मारियुपोल शहर का है, जिसे कादिरोव की सेना ने न केवल तबाह किया बल्कि चुन चुन कर लोगों की हत्या की। अब यही हाल कादिरोव की सेना लुहांस्क और डोनेस्क का कर रही है, जहां न केवल सैनिक बल्कि यूक्रेन समर्थक लोगों को मारा जा रहा है। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सबसे वफादारों में से एक है, जो पुतिन के एक इशारे पर किसी की भी जान ले सकते हैं, जो रूस के इशारे पर ही यूक्रेन में अपने क्रूर सैनिकों को उतार दिया, जिन्हें बेरहम और बेहद हिंसक बताया जाता है। तीन महीना से ज्यादा दिन से जारी इस युद्ध में रूस और यूक्रेन एक दूसरे को भारी नुकसान होने का दावा कर रहे हैं। यूक्रेन की ओर से दावा यह किया गया कि इस जंग में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के दावे के मुताबिक क्या हालात बने हुए ये हम आपको बताते हैं। रूस के 29,350 सैनिकों की मौत हुई है, तो वहीं रूस की 3,194 बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह हुई है। इतना ही नहीं, जंग में रूस के 1,302 टैंक तबाह किए गए हैं। यूक्रेन का दावा यह है कि उसने महायुद्ध में रूस की 606 तोपें तबाह कर दी हैं, जबकि 170 हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है। यूक्रेन ने रूस के 480 ड्रोन और 205 लड़ाकू विमान भी तबाह करने का दावा किया है। ये इस वक्त में आपको अपडेट करें तो रूस और यूक्रेन के बीच की महाजंग में वो सब कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था, जिसकी दुनिया ने कभी कल्पना तक नहीं की थी। युद्ध से पहले तक आधी दुनिया यही मानकर चल रही थी कि रूस यूक्रेन पर हमला
नहीं करेगा। वो हमला हो चुका है, फिर रूस की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अमेरिका यूक्रेन को खुलकर हथियार देने लगा और अब नया सस्पेंस एटमी जंग को लेकर है। रूस की नई तैयारी बता रही है कि परमाणु जंग की आशंका आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ जानी है, क्योंकि खबर तो यह है कि पुतिन परमाणु हमले को लेकर अपने देश में बड़ी तैयारी कर चुके हैं। इस युद्ध ने दुनिया के सारे भ्रम खत्म कर दिए। जो लोग ये सोच रहे थे कि जंग अब बीते दिनों की बात हो चुकी है, उन लोगों की सारी गलत फहमियों को इस युद्ध ने खत्म कर दिया। 24 फरवरी से पहले तक पूरी दुनिया इसकी आशंका में घिरी थी कि क्या यूक्रेन पर रूस हमला करेगा। कई लोग ये मान रहे थे कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को टक्कर देने वाला रूस जंग लड़ने का जोखिम नहीं उठाएगा, लेकिन 24 फरवरी की सुबह उन लोगों का ये भ्रम दूर हो गया। जंग से पहले तक दूसरी बड़ी आशंका ये जताई जा रही थी कि अगर यूक्रेन पर रूस हमला करेगा तो क्या अमेरिका जंग में कूदेगा। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू होते ही अमेरिका इस जंग में तो नहीं उतरा, लेकिन उसकी भूमिका युद्ध के मैदान में सीधे सीधे उतरने से कहीं ज्यादा रही। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई से लेकर अमेरिका रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की लिस्ट लगातार जारी करता गया और अब जंग के बीच तीसरी बड़ी आशंका ये जताई जा रही है कि क्या दुनिया में परमाणु युद्ध छिड़ने वाला है। दुनिया के तमाम देश परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात को नकारते रहे, लेकिन यूक्रेन जंग के बीच रूस अंदर खाने जो तैयारी कर रहा है उसने परमाणु युद्ध की आशंका को और प्रबल कर दिया है। रूस में तैयार हो रहे हैं परमाणु बंकर, पूर्वी रूस में एटमी बंकर का काम तेज। अब तक रूसी धमकियों की वजह से यूरोप के देशों में परमाणु बंकरों की डिमांड बढ़ रही थी। फिनलैंड और स्वीडन रूस के परमाणु अटैक की आशंका से डरकर एटमी बंकर का निर्माण कर रहे थे, लेकिन अब खुद रूस अपने देश में परमाणु बंकर बनाने में जुट गया है और ये सब हो रहा है रूस के कमचत्का प्रायद्वीप में, जो कि रूस के सबसे पूर्वी छोर पर मौजूद है। कहा जा रहा है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों से सबसे ज्यादा दूरी होने की वजह से इस इलाके को बंकर निर्माण के लिए चुना गया है। पुतिन ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उन्होंने अपने दुश्मन के खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल किया तो ना पश्चिमी देश चुप बैठेंगे और ना परमाणु संपन्न अमेरिका ही हाथ पर हाथ धरा बैठा रहेगा। परमाणु का जवाब परमाणु से मिलेगा और ऐसी सूरत में पुतिन के दुश्मनों का पहला निशाना होगा रूस की राजधानी मॉस्को और सबसे बड़ा रूसी शहर सेंट पीटर्सबर्ग। लिहाजा पुतिन के अधिकारियों ने परमाणु हमले की सूरत में रेडिएशन के खतरे से बचने के लिए कमचत्का प्रायद्वीप को चुना है। खबर है कि कमचत्का प्रायद्वीप में 1 जून तक एटमी बंकरों के निर्माण को पूरा करने की डेडलाइन रखी गई है। रूस के सरकारी अधिकारियों ने एटमी बंकरों के निर्माण का आंकड़ा जुटाना शुरू कर दिया है। जाहिर है रूस के अंदर हो रही एटमी बंकरों की ये तैयारी शांति का संकेत तो कतई नहीं है। अलबत्ता यूक्रेन जंग के बीच इन तैयारियों ने पूरी दुनिया के सामने एक बड़े खतरे की घंटी बजा दी है। और महाजंग के बीच बड़ी खबर चीन से सामने आई है। जब पूरी दुनिया का ध्यान यूक्रेन की ओर है तो चीन चुपके से ताइवान के खिलाफ बड़े अभियान की तैयारी कर रहा है। चीन की एक मानवाधिकार कार्यकर्ता का दावा क्या है ये इस वक्त हम आपको बताते हैं। दावा ये किया गया है कि ताइवान पर हमले की योजना को लेकर उनके पास एक ऑडियो क्लिप है। वो ऑडियो क्लिप क्या कहता है ये हम आपको बताते हैं, जिसमें चीनी सेना के टॉप अधिकारियों की सीक्रेट मीटिंग की बातचीत रिकॉर्ड हो चुकी है। चीन की मानवाधिकार कार्यकर्ता का दावा यह भी है कि
चीनी सैनिकों की मीटिंग के दौरान ये बातचीत रिकॉर्ड हुई है। बताया ये भी जा रहा है कि ये ऑडियो क्लिप 57 मिनट्स का है और इस ऑडियो क्लिप में ताइवान पर हमले की तैयारी की प्लानिंग क्या है ये हम आपको बताते हैं। ये कहा जा रहा है कि हमले की तैयारी के लिए वो कौन सा इलाका है, ग्वांगडोंग प्रांत का जिक्र है। यही नहीं, ऑडियो क्लिप को लेकर दावा यह भी किया गया है कि इस बातचीत में चीन 140,000 सैनिकों को ताइवान के खिलाफ अभियान में उतार सकता है। इसके अलावा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, 953 एयरक्राफ्ट और 1,653 यूएवी का भी ऑडियो क्लिप में जिक्र है। ऑडियो क्लिप में हुई बातचीत को लेकर दावा यह किया गया है कि ताइवान के खिलाफ अभियान में 19 एयरपोर्ट और बंदरगाहों को तैयार रखने का जिक्र किया गया है। और अब वक्त है महायुद्ध की 10 बड़ी खबरें आपको दिखाने का।